नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। बिहार विधानसभा के सियासी रण में आज बेहद खास दिन है। 5 दौर में हो रहे विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर के लिए मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 32 सीटों पर हो रहे आज के मतदान के जरिए 456 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला होगा। इस दौर में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, क्योंकि इस दौर में ज्यादातर सीटें नक्सल ग्रस्त हैं। लिहाजा चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। नक्सल ग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं मतदाता बढ़ चढ़ कर मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग ने कई आदर्श पोलिंग बूथ भी बनाए हैं। गया में एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां वोटिंग की पूरी जिम्मेदारी महिला निर्वाचन अधिकारी निभा रही हैं। पहले दौर की वोटिंग में मतदाताओं ने खासा उत्साह दिखाया। उम्मीद है कि दूसरे दौर में भी वोटर बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख करेंगे। लोकतंत्र में आज के मतदान और बिहार के चुनाव से जुड़ी हर हलचल के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग शुरू। 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज के मतदान के जरिए 456 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दूसरे दौर में 32 महिला उम्मीदवार, इमामगंज से मांझी का इम्तिहान। जातिगत बयान पर लालू प्रसाद यादव को चुनाव आयोग की चेतावनी। भाषण में संयम बरतने की नसीहत। शरद यादव को कारण बताओ नोटिस। और मुलायम सिंह यादव के बयान से आहत, एनसीपी ने तोड़ा मोर्चे से रिश्ता, 45 सीटों पर अलग लड़ने का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सीटों के लिहाज से देखें तो ये विधानसभा चुनाव में इस दौर में सबसे कम 32 सीटें शामिल हैं, लेकिन इसमें 23 सीटें नक्सलग्रस्त इलाकों में आती हैं। बिहार चुनाव के इस चरण में 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, इन 6 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। चैनपुर, कुटुम्बा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि चिनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, गोह, बेलागंज और वजीरगंज में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि बाकी सभी सीटों पर 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के इस दौर में सबसे ज्यादा 10 सीटें गया जिले में हैं। जिलेवार अगर सीटों की बात करें तो गया की 10 सीटों के अलावा रोहतास में 7 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4, जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। इस चरण की 32 सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। इस जिले में कितनी सीटें हैं इस ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। कुछ इलाके हैं जहां 3 बजे तक ही वोटिंग होगी, खासतौर से नक्सल पीड़ित जो इलाके हैं वहां जो बूथ हैं वहां 3 बजे तक वोटिंग होगी। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 4 बजे तक वोटिंग होनी है, बाकी जगह शाम 5 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। 32 सीटें, 6 जिले, आज दूसरे दौर का मतदान बिहार में। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। पहले जो 2 दौर रखे गए चुनाव आयोग की तरफ से वो ऐसे इलाके थे जहां सुरक्षा एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए थी। अब पहले दौर के बाद दूसरे दौर का मतदान, ज़्यादातर इलाके जो आज कवर हो रहे हैं वोटिंग के ज़रिए उसमें नक्सल पीड़ित इलाके हैं, इसलिए यहाँ कड़ी चौकसी बरती जा रही है। और ये जो इस समय आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सुबह सुबह मतदान की ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। गया ज़िले से ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जहां सुबह से ही कतार लगना शुरू हो गया है, यानी इस दौर में भी लोगों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। हम एक अच्छा ट्रेंड चुनाव दर चुनाव
भारत के लोकतंत्र में देखते आ रहे हैं कि जनता की भागीदारी लगातार बढ़ रही है चुनाव में, और पिछली बार भी 7% ज़्यादा मतदान हुआ था पिछली बार से। इस बार भी उम्मीद है, चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकले, क्योंकि चुनौती इसलिए भी है ये ज़िले नक्सल पीड़ित हैं, यहाँ नक्सल अपनी तरफ से लोगों को धमकियाँ देते हैं, लेकिन लोगों ने इस तरह की धमकियों को दरकिनार करके घरों से निकलना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसी भी तरह सुरक्षा इंतजामों में चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है, ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है और पूरी चौकसी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, लोगों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो आदर्श पोलिंग बूथ के तौर पर बनाए गए हैं। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, कतार में खड़े लोग, जनता निकल चुकी है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरे दौर की वोटिंग आप देख रहे हैं, इस चरण में सूबे के 86,13,832 मतदाता हैं जो आज वोट दे रहे हैं। इनमें 40 लाख से ज़्यादा महिला वोटर हैं जबकि 45 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता हैं। दूसरे दौर में 9,119 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने इतनी ही तादाद में ईवीएम मशीनों का भी इंतजाम किया है। बड़ी संख्या में मतदाताओं की सुविधा के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। गया में एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां मतदान केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया का पूरा जिम्मा महिला निर्वाचन अधिकारी निभा रही हैं। मतदाताओं की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट सासाराम है जबकि मखदूमपुर सबसे छोटी सीट है। तमाम बड़े नाम आज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, तमाम बड़े नाम भी हैं। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उदय नारायण चौधरी, इसके अलावा बड़े और नाम हैं। गया शहर की सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके प्रेम कुमार बीजेपी के टिकट पर फिर से मैदान में हैं। सासाराम जिले की नोखा सीट से रामेश्वर चौरसिया का भी नाम है। ये बीजेपी के बड़े नाम माने जा रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं जिक्र उठता रहा है मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर भी। मुख्यमंत्री के तौर पर जो तीसरे शख्स हैं उनका नाम भी चर्चा में है, राजेंद्र सिंह। साथ ही हमने आपको बताया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की किस्मत का भी आज फैसला होना है। तमाम बड़े नाम हैं जो इनका आज दूसरे दौर के मतदान में सियासी तकदीर ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आपको बता दें, पहले दौर का मतदान हुआ 51% का रिकॉर्ड था जो 57% पहुंचा, यानी 7% के आसपास, करीब 7% ज़्यादा मतदान हुआ। और अच्छी बात ये रही थी कि पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा महिला मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निभाई और कहीं ना कहीं आज भी ये ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। प्रणव गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गया में आज वोट डाले जा रहे हैं, उनसे हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। प्रणव, कैसा चल रहा है? हमने कुछ तस्वीरें आपने भेजी वो भी हमने देखा, कतारें लगना शुरू हो गई हैं। जी देखिए, अभी क्योंकि अभी मतगणना मतदान अभी शुरू ही हुआ है, तो जो बूथ है वहां पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं, कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। और आमतौर पर ये जो इलाका है जहां पर मैं हूं अभी, टेकुना गांव में, ये बोध गया का एक छोटा सा गांव है, दलित आबादी की बड़ी संख्या है यहाँ पर। इस यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर इससे पहले भी जो चुनाव के बहिष्कार की जो धमकियां है वो इस तरह से प्रशासन को मिलती रही है। पूर्व में घटनाएं भी हुई है, नक्सली घटनाएं, उसके बावजूद भी सुबह लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। और ये कहा जा सकता है कि यही वजह है कि क्योंकि ये नक्सल प्रभावित है कि यहाँ पर जो मतदान का जो समय सीमा है उसमें 2 घंटे कटौती की गई है। टेकुना गांव में सिर्फ 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे, तो लेकिन फिर भी यहाँ सुबह जिस तरह से लोग जुटना शुरू हुए हैं, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 बजे के बाद
जो मतदान प्रतिशत है जब वो सामने आएंगे तो वो काफी उत्साहजनक होंगे। जी, सुरक्षा बड़ी चुनौती है, आप भी हमें बता रहे हैं, सुरक्षा इंतजामों का लगातार आप हमें जायजा भी देते जा रहे हैं। इसके अलावा आज हम किन बड़े नामों पर नजर रहने वाली है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी? देखिए, सबको पता है कि इस दौर में भले ही सीटें कम हो, हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण नाम है उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने जब अलग राह पकड़ी जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर और अपने आप को सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, उनके लिए पहला ये इम्तिहान होगा कि वो किस तरह से अपने जो अलग जो वजूद कायम करने की कोशिश की है उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। और इसके अलावा इसी क्षेत्र से उदय नारायण चौधरी भी हैं, जो कि स्पीकर रहे हैं। इससे पहले जब मांझी को विश्वास मत के दौरान सिद्ध करना था विधानसभा में, तो हमने देखा किस तरह से स्पीकर और मांझी के बीच में एक तरह से तल्ख रिश्ते उजागर हुए थे, तो इसको देखते हुए आमने सामने का मुकाबला, और यही दो बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। अलग अलग दल हैं जो बूथ मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं अलग अलग तरीके से। चुनाव आयोग तो पूरी कोशिश कर ही रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और पहुंचे, और कतारें लगना भी शुरू हो गई हैं। कैसे देख पा रहे हैं आप, किस तरह की स्ट्रैटेजी आज खास तौर से अपना रहे हैं अलग अलग दल? जी देखिए, क्योंकि अब बस ये निर्णायक वक्त है, तो कोशिश यही है सबकी कि यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट होते हैं राजनीतिक दलों, हाँ, के, वो अंतिम समय में किस तरह से वोटर्स को अपनी ओर, और यहाँ पर भी अलग अलग राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, और यही कोशिश है कि इस अंत समय में किस तरह से अपनी ओर मोड़ा जा सके। चुनाव आयोग की तैयारियां, जैसे हमने कहा कि मुकम्मल है, बेहद चौकस निगाह रखी जा रही है हर पोलिंग बूथ पर, इसको देखते हुए कि संवेदनशील बूथ बहुत ज्यादा है इस पूरे ही चरण के जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, इसी के मद्देनजर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी डिस्टरबेंस के अगर ये दौर का मतदान संपन्न हो जाता है, आने वाले जो चरण है उसके लिए भी एक अच्छा संकेत होगा, क्योंकि यही जो चरण ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रणव, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट ले रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से बिहार में दूसरे दौर का मतदान शुरू हो गया है, अलग अलग जगह से तस्वीरें आना भी हमारे पास शुरू हो गई हैं। गया की तस्वीरें हमने दिखाई जहां लोगों की कतार लगना शुरू हो गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, कोई कसर सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं छोड़ी गई है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, ज़्यादातर इलाके नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए और ज़्यादा चौकसी सुरक्षा को लेकर है। ईवीएम मशीनें, जिनमें आज बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत मतदाताओं के जरिए कैद होने वाली है, ये तस्वीरें आप गया की देख पा रहे हैं, अलग अलग बूथ से तस्वीरें हैं। 32 सीटें आज हैं, 6 जिले हैं, दौर छोटा है अगर पांचों दौर की बात की जाए। ये तस्वीरें औरंगाबाद की आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तैद सुरक्षा बल और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल मतदाताओं को देने के लिए पूरी तैयारी, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ना सिर्फ जमीन पर सुरक्षा बल तैनात हैं, बल्कि आपको बता दें आसमानी निगरानी भी लगातार हो रही है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, लोगों को पूरी तरह का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल दिया जा रहा है। महिलाओं की कतारें, पिछली बार हम एक बार फिर याद दिला दें, पिछले दौर में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली है मतदान देने में, और पुरुषों से कहीं आगे रही हैं वोट देने में महिला मतदाता। बिहार ने अच्छा ट्रेंड हमें पहले दौर में दिखाया है, और आज भी लग रहा है कि कमोबेश यही ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, कुछ इलाके हैं जो अति संवेदनशील हैं, वहाँ 3 बजे तक वोटिंग होगी, कुछ और इलाकों में 4 बजे तक, और बाकी जो सीटें हैं उनमें 5 बजे तक आज वोटिंग होगी। ये तस्वीरें अब जहानाबाद से आ रही हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमने गया औरंगाबाद की तस्वीर दिखाई, जहानाबाद
आप ये देख पा रहे हैं आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं, और जो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये वही मतदान केंद्र है जहाँ पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। निर्वाचन अधिकारी यहाँ इस बूथ पर सिर्फ महिलाएं हैं, यहाँ पुरुषों को जिम्मा नहीं दिया गया, महिलाओं के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है इस मतदान केंद्र की शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने की। और अब हमें लगता है कि प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता गया से जुड़े हैं, वो भी हम तक तस्वीरें पहुंचा पाएंगे। प्रणव, अब जरा आप दिखाएं अपने आसपास का माहौल। जी देखिए, ये टेकुना गांव है जो बोध गया है उसका एक बहुत ही पिछड़ा एक गांव है, लेकिन लोगों के भीतर जो एक तरह से ये कहा जाए कि जो सियासी समझ है, जो जागरूकता है अपने वोट का इस्तेमाल करने की, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस पूरे गांव में सुबह से ही लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद भी कि यहाँ पर बहुत पहले हमेशा से ही नक्सली घटनाएं होती रही है, खासतौर पर क्योंकि यहाँ पर दलित आबादी बहुत ज्यादा है, तो अक्सर जो जातीय रंजिश की घटनाएं भी होती रही है, लेकिन फिर भी लोग बेखौफ होकर अपने घरों से निकले हैं और यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। और हम गांव की तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इतने पिछड़े गांव में भी जिस तरह की जागरूकता है लोगों के बीच में, वो एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र के इस पर्व के प्रति आस्था को जाहिर करता है। हमारे साथ यहाँ कुछ गांव के ही पढ़े लिखे युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं जो आपके जहन में है इस वक्त अपना वोट डालते वक्त? मेरा मुद्दा है कि सर जी, कि मेरा यहाँ विकास हो, युवा लोगों को नौकरी लगे, और हमारे गांव में पिछड़े जगह है जहाँ पे पानी उनी की सुविधा, सब चीज हो, रोड रोड का सब सुविधा हो, बढ़िया से रहे। और इसी मैं अपील करता हूँ कि सरकार बने, जो भी बने, जो मेरा कार्य करे, विकास करे, रोजगार। और अब हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि जो महिलाएं हैं वो भी अपने घरों से निकल रही है, जो गांव की महिलाएं हैं वो भी अपने घरों से निकल रही है अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए, कैसे हो जाए, क्या चाहते हैं आप गांव के लिए, क्या होना चाहिए आप वोट डालने आए? हम अभी ना ले लियो बाबू, हम अभी ना ही ले ले। तो ये अभी खुद नहीं जानती है कि वोट देने जरूर आई है, लेकिन इनको क्या चाहिए? लेकिन और भी हमारे साथ लोग हैं, आप इस गांव के हैं, क्या चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं। क्या दिक्कत क्या है यहाँ? दिक्कत यह है कि 5 साल हो गया है और कोई विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? क्या पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क, हर चीज को, सड़क, बिजली, सब, पानी, सब। एक छोटा सा गांव है, इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, और लोग यहां पर आ रहे हैं, ये एक मौका है कि जब उनको जो भी अपने दुख है, तकलीफ है, वो रख रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो कभी ये जो बहुत ही कहा जाए कि छोटा सा गांव है, पिछड़ा गांव है, इसकी तकलीफों की तरफ भी किसी का ध्यान जाए। बिल्कुल, तो लोग निकल गए हैं, बार बार विकास की बात हो रही है। अगर हम मुद्दों की बात करें प्रणव, जिस तरह से लोग खुलकर अपनी बुनियादी सुविधाओं, स्थानीय मुद्दे, हम जानते हैं विधानसभा चुनाव में हमेशा हावी रहे हैं। पहले दौर के मतदान के बाद हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत जागरूक, और तमाम हमारे मेहमान कहते भी रहे कि चालाक मतदाता हो गया है, वो खुलकर जाहिर नहीं करता कि किस तरह वेव जा रही है, उसके मन में क्या है। क्या आप समझ पाए हैं कि पहले दौर में जो वोटर टर्नआउट रहा, जो मतदान रहा, उसके बाद रणनीतियां बदली गई पार्टियों की तरफ से, क्या कुछ कहा जाए इस दौर को लेकर, अब खासकर मुद्दों की बात करें तो? देखिए, मतदाता अपनी तरफ से जरूर एकदम, उसके जहन में जो चल रहा है वो एकदम साफ है, वो विकास के नाम पर वोट डालना चाहता है। ज्यादातर जो मतदाता है उनसे जो हमारी बात हुई है, उनसे यही जाहिर होता है कि जातीय जो राजनीति होती रही है बिहार में, उससे वो, उससे एक छटपटाहट है वोटर्स के भीतर भी। ये जरूर है कि अभी भी जातीय समुदाय ऐसे हैं जो कि उसमें बंधे हुए हैं, और उनका जो माइंडसेट है वो यही है कि उन्हीं के कास्ट से जो चुनाव लड़ेगा उसको वोट देंगे। लेकिन खासतौर पर युवा और महिलाएं हैं, उनमें एक तरह से बदलाव की एक सोच है, वो चाहते हैं कि विकास उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। और इसलिए हमने देखा कि पहले दौर में भी महिलाएं बड़ी संख्या में घर से निकलकर आईं अपना वोट डालने के लिए। ये बात जनता जरूर समझ रही है कि उन्हें विकास चाहिए, लेकिन
जो राजनीतिक दल है हाँ। ये अपने आप में एक दुख की बात है कि और एक विडंबना भी है कि राजनीतिक दलों ने पहले दोनों ही चरण के प्रचार में हमने देखा विकास की कोई बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आक्षेप और एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने के अलावा हमने इस इन प्रचार से कोई हमने माने निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। मुमकिन है कि राजनीतिक दलों को लगता हो कि वो जातीय गोलबंदी के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतेंगे, लेकिन जनता ऐसा नहीं समझती है, खासतौर पर युवा पीढ़ी और महिलाएं। प्रणव आप बने रहे हमारे साथ, आपसे हम पल पल का अपडेट लेते रहेंगे, तमाम तस्वीरें भी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक तानाबाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में आज दूसरे दौर के लिए मतदान हो रहा है, 6 जिले हैं, 32 सीटें हैं, नक्सल प्रभावित एक बड़ा इलाका है, सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब तक हम लगातार तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गए बूथ के आगे। प्रणव गोस्वामी संवाददाता गया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम देख पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वोटर निकलना अब शुरू हो गए हैं। प्रणव आप अब मुद्दों के हम बात कर रहे थे, क्या बिहार में अगर देखा जाए खास तौर से, क्या हम ये देखें, आपने कहा कि कुछ युवा हैं, कुछ शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या शिक्षित बिहार और अशिक्षित बिहार, यानी जो पढ़ा लिखा बिहार है और जो बिना पढ़ा बिहार है, क्या उनके मुद्दों में फर्क साफ दिखाई देता है बिहार में? जी हाँ बिल्कुल, और ये बात जरूर है कि शिक्षा एक तरह से बहुत सारी जो समस्या है उसका हल शिक्षा के जरिए निकलता है, लेकिन जो शिक्षा की जो तस्वीर है वो बहुत अच्छी नहीं है। सबको पता है बिहार में खासतौर पर जो दलित समुदाय है, हमने खुद ने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो बिहार में 15% के करीब महादलित जो दलित समुदाय है उसमें 31% जो संख्या है वो महादलितों की है, जिसमें कि 18 उपजातियां हैं। वहां जो शिक्षा का प्रतिशत है वो सिर्फ 4% है, और जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति और भी बदतर है, सिर्फ 1% से भी कम महिलाएं हैं दलितों में, महादलित आबादी में, जो कि पढ़ी लिखी हैं। तो इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। कई ऐसे जिले हैं, जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कि कॉलेज नहीं है और जो बच्चे हैं उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, उन्हें या तो उनको गया आना पड़ेगा या फिर उन्हें भागलपुर जाना पड़ेगा या उन्हें पटना जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आसपास जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर ऐसे परिवार जो संपन्न नहीं है, जो पिछड़े हैं, उन्हें अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए कि आसपास कोई स्कूल नहीं है, उन्हें अपने बच्चों को अपने घर बिठाना पड़ता है और वो अपने माँ बाप की जो जो आजीविका है उसको बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी। प्रणव आपके पास हम लौटेंगे, क्या चाहते हैं आप इस गांव में, क्या समस्या? सब चीज चाहिए हमने, के गली न बना ले, घर द्वार न बना ले, बाल बच्चा पढ़े लिखे वाला के हमने के कोई स्कूल बना ला आए। तो देखा आपने कि इस गांव की क्या स्थिति है, इसी से ज्यादातर जो विकास के जो दावे हैं उसकी सच्चाई यहाँ पता चलती है जब हम किसी छोटे इलाके में पहुंचते हैं। बहुत मुस्कुरा के इन महिला ने अपनी बात तो रख ली, लेकिन सच में प्रणव ये छोटे छोटे मसले हैं जो पूरे होते हैं, और विडंबना यही है कि हर साल हर चुनाव में हम बात करते हैं और हर बार हमें यही मुद्दे लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं, तस्वीर बदलती है उतनी तेजी से हमें दिखती नहीं जितनी तेजी से बदलनी चाहिए। आप तक प्रणव हम रुक करेंगे एक बार फिर, इस बीच हम खबरों और जो खबरें उनका अपडेट भी देते चले। प्रणव आप बने रहे हमारे साथ। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को उनके जातिगत टिप्पणी को लेकर आगाह किया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय अधिक सतर्क रहने को कहा है।
आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि ऐसे बयानों से समाज के अलग अलग वर्गों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। जातिगत टिप्पणी को लेकर बिहार में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ FIR दर्ज भी हो चुकी है। और चुनाव आयोग ने JDU अध्यक्ष शरद यादव को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 7 अक्टूबर को नालंदा में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद यादव ने आपत्तिजनक बयान दिया था। उन पर आरोप है कि धर्म के नाम पर उन्होंने जनता से वोट की मांग की। हालांकि अब चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शरद यादव को 17 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से पहले जवाब देने को कहा है। प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, क्या इस बार कई मायनों में बिहार चुनाव खास है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे देश की नज़रें इस बात पर है और ये माना जा रहा है कि बिहार राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। आपने कहा विकास के नाम पर लोग वोट देना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके जहन में है। सुशासन बाबू की छवि नीतीश कुमार की है, BJP भी वोट जो मांग रही है विकास के नाम पर भी ही मांग रही है। क्या इन सब चीज़ों को लेकर पसोपेश मतदाताओं के मन में है कहीं ना कहीं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये चुनाव और अपने आप में ये आगे जो देश की राजनीति है उसकी दिशा भी तय करने वाला है। बिल्कुल सियासी समीकरण बदले हुए हैं इस बार। जो पुराने जो दोस्त थे वो आज रकीब बन गए हैं और जो पहले दुश्मन थे अब वो दोस्त के खेमे में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश की, जिनकी राजनीति एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन आज एक तरह से कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक लड़ाई है, अपने सर्वाइवल के लिए एक जद्दोजहद थी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए, समय की वजह से ये दोनों दल जो कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे ये साथ में आए हैं और साथ में कांग्रेस भी है। कांग्रेस पिछली बार अपने बूते पर चुनाव लड़ी थी लेकिन इस बार तीनों दलों ने महागठबंधन बनाया। BJP के लिए JDU के जाने के बाद नए दोस्त तलाशे गए, खासतौर पर जो दलित चेहरे के रूप में जो दो उनको उनको साथी मिले, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी, उनके ऊपर एक तरह से BJP को ने अपना भरोसा जताया और इसके अलावा कुशवाहा भी उनके साथ है। जातीय जो समीकरण है उसके आधार पर दोनों ही जो गठबंधन है उन्होंने अपने 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 आकलन किए हैं। बिहार में विकास भले ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा हो लेकिन हमने देखा है कि जब वोट डालने की बात आती है तो जातीय गोलबंदी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कौन कुशवाहा के साथ है, कौन कुर्मी किसके साथ है, यादव किसके साथ है, मुस्लिम किसके साथ है, हाँ। और भूमियार किसके साथ है, ये सारे ये सभी पहलू इस बार बिहार चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। प्रणव, ये तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, साथ ही तस्वीरों के जरिए हमें दिखाया, अपडेट दिया आपसे लगातार पूरे दिन। हम अब अपडेट लेते रहेंगे लेकिन फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला तो होना ही है। 2010 के नतीजों पर अगर नजर डाले तो सबसे ज्यादा साख इन 32 सीटों पर JDU की लगी है। 18 सीटें 2010 में उसके खाते में गई थी, BJP के हाथ 9 सीटें लगी थी, जबकि RJD के पास 2 सीटें थी और निर्दलियों के पास भी 2 सीटें गई थी। देखना होगा, पिछली बार JDU BJP ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो 18 और 9 एक तरह से पूरा इलाका पूरा गढ़ उनका था, लेकिन इस बार बदले समीकरणों में कैसा रुख रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प है। और फिलहाल इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, लेकिन लगातार बिहार चुनाव से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।